गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे हम बात करेंगे थ्री एम के मुद्दा के विषय में। मुद्दा जो है वेस्ट होता है और वेस्ट जो इंडस्ट्री में होता है एक प्रकार का होता है, ठीक है। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का कैसे जो डेडली एट वेस्ट है उसको कम किया जाए। तो इसमें आपको बताऊं कि एक डेडली वेस्ट जो है इसको हम टीमूड्स भी जानते हैं, लेकिन टीमूड्स थोड़ा सा पुराना वर्ड हो गया और नया जो चल रहा है डाउन टाइम चल रहा है, ठीक है। डाउन टाइम इज द किंग ऑफ वेस्ट एंड वी हैव टू कंट्रोल एट डेडली वेस्ट, ठीक है। तो पहला हमारा जो होता है, पहला डी जो होता है डिफेक्ट, डिफेक्ट्स क्रिएट करते हैं 6M। हमारा जो 6M होता है मैन मशीन मेथड मेजरमेंट मदर नेचर, ये सारे जो है 6M में आते हैं। इनको हमें कंट्रोल करना होता है क्योंकि ये हमारे लिए 6 डिफेक्ट्स पैदा करते हैं। दूसरा है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा बन जाए तो हमारे लिए भी वो वेस्ट है। दूसरा होता है वेटिंग। वेटिंग का मतलब होता है इंतजार करना, पावर का इंतजार करना, मटेरियल का इंतजार करना, मेन पावर का इंतजार करना, क्योंकि ये वेटिंग है, ये भी एक वेस्ट में आता है। चौथा जो है एन। एन जो है नॉट यूटिलाइज स्किल। हमारे पास अच्छा स्किल है पर हम उसको यूज नहीं कर रहे, वो भी एक वेस्ट है, वो हमारा स्किल जो है व्यर्थ हो रहा है। और पांचवा जो है टी। टी मीन्स ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यहाँ पर कि हम अपने चीजों को कैसे कन्वे करते हैं। या तो एक चीज को 10 जगह प्लेस करते हैं, उससे क्या होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में टाइम वेस्ट होता है, हमारा मशीन खराब होता है, ठीक है। और रख रखाव जब करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा स्पेस जो है कवर हो जाता है, तो हमें ट्रांसपोर्ट भी कंट्रोल करना है। और 6 में आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैपिटल है किसी भी कंपनी का, अगर ज्यादा आ गया और उस लेवल से हम प्रोडक्शन नहीं दिए कस्टमर को, इन्वेंट्री हमारा पड़ा रहा है स्टोर में, इसका मतलब ये होगा कि हमारे कंपनी का कैपिटल जो है ब्लॉक हो गया, हमारा बिजनेस जो है ठप हो गया। तो इसके लिए हमें लिमिट पे इन्वेंट्री होना चाहिए। और सातवां है मोशन। मोशन का मतलब है बेवजह का इधर उधर भटकना, बेवजह कोई चीज करना जिससे कोई आउटपुट नहीं निकलता हो, वो मोशन में आता है। और लास्ट जो होता है ई आता है एक्सेस प्रोसेसिंग। एक्सेस प्रोसेसिंग में ये आता है कि मशीन से, मान लीजिए मशीन से वायर गिर रहा है और स्वीपर जो है बार बार झाड़ू लगा रहा है, बार बार झाड़ू लगा रहा है, एक काम को कई बार करना वो एक्सेस प्रोसेसिंग में आता है। आप कंप्यूटर पर बैठे हो और कंप्यूटर आपकी बफरिंग कर रही है लगातार, सिस्टम चल नहीं रहा है, तो वो एक्सेस प्रोसेसिंग का आता है। ये भी हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन में डिफेक्ट्स है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हम सारे मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक डेडली वेस्ट है इसको हम कंट्रोल करेंगे। आई होप सो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को काफी समझ में आई होगी। इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।